दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे, मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम मई महीने की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। 4 महीने की करंट अफेयर हमने कर ली है, 5वें महीने अर्थात मई महीने की करंट अफेयर इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी नियुक्तियों के बारे में बताया गया है जो मई महीने में की गई थी, और साथ ही साथ मई महीने में कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों का निधन हुआ था उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के महानिदेशक के रूप में आशिमा बराड़ को नियुक्त किया है। आशिमा बराड़ बनी है महिला एवं बाल विकास विभाग की नई महानिदेशक। ठीक है, आपको ये भी बता दें, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक हैं हेमा शर्मा, और हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? कमलेश टांडा। और इस विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। इतनी सारी जानकारी आपको पहले पॉइंट से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपये प्रति महीने देगी। इस योजना को ज़रूर याद रखना है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किन से संबंधित है? जो कोविड-19 के चलते अनाथ हुए हैं बच्चे, ठीक है ना, उनको प्रति महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के तहत। सेल्फी विद डॉटर अभियान को नेपाल में शुरू किया गया है। कब? राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। सेल्फी विद डॉटर अभियान 9 जून 2015 को शुरू किया गया था बीबीपुर गाँव जींद से। याद रखना, सेल्फी विद डॉटर अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? बीबीपुर गाँव जींद से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 9 जून 2015 को, और हाल ही में नेपाल में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, अंबाला जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। याद कैसे करें? देखिए, बीमारी से अर्थात रोग से छुटकारा कौन दिलाता है? साइंस, यानी कि विज्ञान। रोग से छुटकारा कौन दिलाता है? साइंस। और साइंस सिटी किसे कहा जाता है? अंबाला को। इस प्रकार से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? अंबाला में। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। रेवाड़ी जिले की जेल को राज्य की पहली स्पेशल कोविड जेल के रूप में नियुक्त किया गया है या फिर बनाया गया है। राज्य की पहली स्पेशल कोविड जेल किसे बनाया गया है? रेवाड़ी की जेल को, ठीक है ना। नारनौल में मिला है यूरेनियम। यूरेनियम की खोज की गई है नारनौल में। आप सभी जानते हैं यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। इसके नाभिक में स्वतः विखंडन होता रहता है और इससे कुछ किरणें निकलती रहती हैं, और हाल ही में इसकी खोज कहाँ पर की गई है? नारनौल महेंद्रगढ़ में की गई है। और इसको बहुत ही सिंपल याद रखना, क्योंकि नारनौल महेंद्रगढ़ को या फिर महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर बोला जाता है या फिर खनिजों का भंडार कहा जाता है, और यूरेनियम भी कहाँ पर पाया जाएगा? नारनौल में, ठीक है। राय, जो कि सोनीपत में स्थित है, यहाँ पर राष्ट्रीय शूटिंग रेंज है। हाल ही में इसे देश की मॉडल और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है ना। राज्यपाल द्वारा द्वितीय हरियाणा विधि आयोग के चेयरमैन के रूप में हरजिंदर सिंह भल्ला को नियुक्त किया है। द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, या चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरजिंदर सिंह भल्ला को। और नियुक्ति किसने की है? राज्यपाल ने की है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नियुक्ति, याद रखना। बढ़ते आगे। खाना गांव जो कि भिवानी में स्थित है, वहाँ के निवासी हैं अनिल कुमार भारती। अनिल कुमार भारती को हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान 2020 किसे दिया गया है? अनिल कुमार भारती को। कहाँ के रहने वाले हैं ये? भिवानी के रहने वाले हैं, ठीक है। हरियाणा के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर केसी यादव का निधन हो गया है। ये रेवाड़ी के रहने वाले थे और इन्होंने ही हरियाणा अकेडमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर की स्थापना की थी। ये इसके संस्थापक थे, ठीक है ना। इनके बारे में ज़रूर याद रखना। केसी यादव कौन थे? एक इतिहासकार थे, रेवाड़ी के संबंध थे, रेवाड़ी के रहने वाले थे, ठीक है ना। दुबई एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला पहलवान मोनिका जैस्मिन लंबोरिया और स्वीटी बोरा, इन तीनों ने कांस्य पदक जीते हैं। याद रखना, दुबई में जो एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई हुई थी, उस चैंपियनशिप में हरियाणा के 3 महिलाओं के द्वारा कांस्य पदक जीते गए हैं। किन किन के द्वारा? मोनिका जैस्मिन लंबोरिया, जो कि भिवानी की रहने वाली है, और स्वीटी बोरा, जो कि हिसार की रहने वाली है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार ओम प्रकाश जैन का निधन हो गया है। इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध फिल्में बनाई थी, जैसे कि महारा पियर सासरा, गुलाबों,
जड़ जोरू और जुमीन, ये इनकी फिल्में हैं और ये एक कवि और गीतकार थे। याद रखना ओम प्रकाश जैन कौन थे, कवि और गीतकार थे, ठीक है ना। करनाल जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्ष 1983 में बनी बहू रानी फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले निर्देशक और अभिनेता डॉक्टर राजेश कुमार बख्शी का निधन हो गया है, रोहतक के रहने वाले थे। 1983 में आई थी बहू रानी फिल्म, जो कि हरियाणा की पहली प्रसिद्ध फिल्म थी, सफल फिल्म थी। हरियाणा की सफलता फिल्म कौन सी है, चंद्रावर, जो कि 1984 में आई थी। तो बहू रानी फिल्म से अपने अभिनय की या फिर निर्देशक के रूप में शुरुआत की थी डॉक्टर राजेश बख्शी ने, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। याद रखना ये रोहतक जिले के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, बतौड़ गांव जो कि पंचकुला में स्थित है, वहां पर आर्मी नेशनल कॉलेज बनाया जाएगा, और इस कॉलेज का संचालक कौन होगा, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान। भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमान है, देखिए भारतीय सेना है जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना। थल सेना में 7 कमान है, वायुसेना में भी 7 कमान है, और नौसेना में 3 कमान है। थल सेना की जो पश्चिमी कमान है उसके हेडक्वार्टर्स हैं चंडी मंदिर में, ठीक है ना, और उसी के द्वारा इस आर्मी नेशनल कॉलेज को कंट्रोल किया जाएगा या फिर संचालन किया जाएगा। याद रखना आर्मी नेशनल कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है, पंचकुला में, ठीक है। जासोर खेड़ी जज्जर की रहने वाली शीतल को योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस किसे दिया गया है, शीतल को। कहाँ की रहने वाली है, जज्जर जिले की रहने वाली है। पानीपत के रहने वाले प्रसिद्ध व्यंग्य कवि योगेंद्र मोदगिल का निधन हो गया है। योगेंद्र मोदगिल कहाँ के रहने वाले थे, पानीपत के रहने वाले थे, और हाल ही में इनका निधन हो गया। ये एक व्यंग्य कवि थे। देखिए जिनका निधन हुआ है उनसे संबंधित आपको 2 पॉइंट जरूर याद रखने, एक तो उनका क्षेत्र किस लिए वो प्रसिद्ध थे और उनका संबंध किस जिले से था, ये 2 पॉइंट जरूर याद रखने, ठीक है। हिसार हरियाणा का पहला राज्य है या पहला जिला है जिसने मेरा ग्राम पंचायत ऐप शुरू की है। मेरी ग्राम पंचायत ऐप किसने शुरू की है, हिसार ने शुरू की है, ठीक है ना। हरियाणा सरकार ने विभिन्न उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है, और इस योजना के तहत अलग अलग ज़िले को अलग अलग उत्पाद दिए गए हैं ताकि उन ज़िलों में उनका उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। जैसे खट्टे फलों का उत्पादन महेंद्रगढ़ में किया जाएगा, टमाटर नूह पलवल में, गाजर पानीपत में, अमरूद झज्जर में, आम यमुनानगर में, प्याज अम्बाला में, आलू कुरुक्षेत्र में, आंवला गुरुग्राम में, अदरक पंचकुला में, कद्दू रोहतक चरखी दादरी और फरीदाबाद में, मुर्गी पालन जींद में, और ठीक ऐसे ही सरसों रेवाड़ी में, ठीक है ना। इन जिलों को ये उत्पादन दिए गए हैं या फिर इनकी कृषि की जाएगी, ठीक है ना, ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है। हरियाणा सरकार ने कोरोना का इतिहास लिखने की घोषणा की है, और ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है, ठीक है ना। कोरोना का इतिहास लिखेगा हरियाणा। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। हरियाणा राज्य का पहला आयुष वेलनेस सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा, बाड़ा गांव अम्बाला में। पहला आयुष वेलनेस सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, बाड़ा गांव अम्बाला में। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके संदर्भ में हमने पीछे पढ़ा है कि इसके तहत जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड-19, उन बच्चों को 2500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। याद रखना इस योजना की शुरुआत की गई है 30 मई 2021 को, ठीक है। हरियाणा सरकार ने 2025 तक टीवी फ्री हरियाणा का लक्ष्य रखा है। हरियाणा टीवी फ्री हो जाएगा 2025 तक, ऐसा लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने, ठीक है। हरियाणा में उमंग नाम से पोस्ट कोविड सेंटर इस्टेब्लिश किए गए, ठीक है ना। उमंग क्या है, पोस्ट कोविड सेंटर है, ठीक है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा था। ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है, और बेसिकली ये आँख को ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है ना। जो भी कोविड-19 से ग्रसित हुए थे उन व्यक्तियों में इसके मामले काफ़ी देखे गए थे, ठीक है ना। बहुत सारे फंगस आए थे, जैसे ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, कोविड-19 के दौरान ही आई थी, ठीक है। नारनौल की डॉक्टर एस अनुकृति ने विश्व बैंक में अर्थशास्त्री के पद का कार्यभार ग्रहण किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, विश्व बैंक में अर्थशास्त्री का पद किसने ग्रहण किया है, डॉक्टर एस अनुकृति ने। ये नारनौल महेंद्रगढ़ की रहने वाली है। विश्व बैंक के बारे में 2 पॉइंट जरूर याद रखना।
इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1944 में, जुलाई 1944 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, ओके। और हाल ही में विश्व बैंक में अर्थशास्त्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? डॉक्टर एस अनुकृति ने। हरियाणा राज्य में तीसरे चरण में 5 जिलों में रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए। देखिए, पहले चरण में 3 रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए थे, दूसरे चरण में 4 रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए थे और तीसरे चरण में 5 जिलों में रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए हैं। और सबसे पहला रेडियो स्टेशन पानीपत में इस्टेब्लिश किया गया था। शत्रुजीत सिंह कपूर को हरियाणा राज्य का खेल महानिदेशक बनाया गया है। हरियाणा राज्य का खेल महानिदेशक किसे बनाया गया है? शत्रुजीत सिंह कपूर को बनाया गया है। केरोसिन मुक्त राज्यों में देश में हरियाणा का पहला स्थान है। केरोसिन जो कि एक ज्वलंशील ईंधन है, पेट्रोलियम से ही इसे प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, हरियाणा का पहला स्थान है इसमें, ठीक है ना, केरोसिन मुक्त में। कोरोना महामारी के कारण प्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया है। इनका संबंध कुरुक्षेत्र से था, आप इनके बारे में जानते होंगे। आज तक TV पर ये काम करते थे, चैनल पर, ठीक है ना। 24 मई को मुख्यमंत्री ने संजीवनी परियोजना का करनाल में शुभारंभ किया है। संजीवनी परियोजना कहाँ से शुरू की गई है? करनाल से शुरू की गई है 24 मई 2021 को, ठीक है ना। इस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। तो संजीवनी योजना किन से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी इस योजना के तहत, और यह एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई है। पायलट परियोजना क्या होती है? देखिए, पायलट परियोजना एक सीमित क्षेत्र में लागू की जाती है और ये चेक किया जाता है कि इस परियोजना के कैसे परिणाम आते हैं। अगर सकारात्मक परिणाम आते हैं तो उसको पूरे देश में या फिर पूरे राज्य में अप्लाई कर दिया जाता है, अन्यथा उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो सबसे पहले संजीवनी परियोजना को एज ए यू नो एक सीमित क्षेत्र में या पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया था, ठीक है। विकास पहल को हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विकास पहल बने हैं हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश, और इनकी नियुक्ति किसने की है? मुख्य न्यायाधीश ने की है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर। याद रखना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं या मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? बेसिकली शपथ दिलाई है इन्होंने, नियुक्ति नहीं, शपथ दिलाई है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। और हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं जो विकास पहल, इनको किसने शपथ दिलाई है? मुख्य न्यायाधीश रविशंकर ने, ठीक है। धर्मपत सिंह को हरियाणा राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धर्मपत सिंह है जो ये नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं हरियाणा राज्य के, और इन्होंने दिलीप सिंह का स्थान लिया है, ये भी याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। हरियाणा सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अंतरा हरी एप्लीकेशन शुरू की है, या फिर अंतरा हरी सॉफ्टवेयर शुरू किया है। याद रखना, अंतरा हरी सॉफ्टवेयर किन से संबंधित है? परिवार नियोजन से संबंधित है, यानी कि ये एक परिवार नियोजन कार्यक्रम है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या कुछ है। हरियाणा में HIV यानी कि एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2,250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। जो भी व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, एड्स एक विषाणु जनित बीमारी आप जानते होंगे, ठीक है ना, जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित हैं तो उनको दिए जाएंगे 2,250 रुपये, ठीक है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वर्ष 2021-22 के लिए हरविंदर कल्याण को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। और हाल ही में हरियाणा की विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरविंदर कल्याण को, ठीक है ना। हरविंदर कल्याण घरौंडा विधानसभा से विधायक हैं। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आया है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्या होती है? देखिए, ये केंद्र में भी होती है और राज्यों में भी होती है। बेसिकली कैग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उस पर ये चर्चा करती है, फिर सरकार ने कितना पैसा कहाँ पर खर्च किया है उसके संदर्भ में ये विचार विमर्श करती है, ठीक है ना। तो याद रखना, हरियाणा में जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हरविंदर कल्याण को बनाया गया है। DRDO के द्वारा एक दवा बनाई गई थी, 2DG, एक टीम थी DRDO की जिसने ये दवा बनाई थी, और उस टीम में सुधीर चांदना भी शामिल थे जो कि हिसार के रहने वाले थे। DRDO की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1958 में, ठीक है, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। नकीमपुर गाँव भिवानी के रहने वाले अशोक सिंघल
असम में कैबिनेट मंत्री बने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसे। असम में कैबिनेट मंत्री बने हैं कौन? अशोक सिंघल, ये भिवानी के रहने वाले हैं। सोशल मीडिया मंचों पर सक्रियता के आधार पर एजुरैंक ने एक रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत के 300 शीर्ष शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को इसमें 18वां स्थान दिया गया है। ठीक है ना, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में है और वर्ष 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। और एजुरैंक ने इसको कितनी रैंकिंग दी है या कौन सा स्थान दिया है? 18वां स्थान दिया है। ठीक है ना, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अदरक और मशरूम से ब्रेड भी तैयार किया है। जो खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको एडवांस में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा व्यवस्था की थी हरियाणा सरकार के द्वारा, ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके। और हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया था। ठीक है, हरियाणा पर्यटन विभाग का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? नीरज कुमार को। हरियाणा पर्यटन विभाग का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? नीरज कुमार को बनाया गया। और पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। ठीक है ना, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और पर्यटन मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर। ठीक है ना, आइए बढ़ते आगे। यमुनानगर ने सबसे पहले पंचायती ज़मीन पर बाघ योजना शुरू की है। बाघ योजना किस जिले में शुरू की गई है? यमुनानगर में शुरू की गई है। मृदा उर्वरकता को बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार ढांचा पर 80% अनुदान दे रही है। देखिए, मृदा उर्वरकता कई तरीक़ों से बढ़ाई जा सकती है, घरेलू तरीक़ों से, घरेलू खाद का प्रयोग करके, केंचुए खाद का प्रयोग करके। इवन आपने एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि जड़ों में पाया जाता है और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में भी बदलता है और साथ ही साथ मृदा की उर्वरकता को भी बढ़ाता है। ठीक है ना, इसके अलावा कोई अन्य फसल उगाकर भी मृदा की उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि ढैंचा की फसल। अगर ढैंचा की फसल उगाई जाती है तो मृदा में उर्वरकता अधिक हो जाती है, तो इसलिए हरियाणा सरकार ने ढैंचा पर 80% अनुदान देने का निर्णय लिया है। हिसार को प्रीमियम रेल सुविधा या फिर प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस की सौगात मिली। दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई से हिसार तक चली है। ठीक है ना, याद रखना, हरियाणा के हिसार में ही चली है। हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी वाहनों को 2024 तक फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा। हरियाणा के जितने भी सरकारी वाहन हैं उनको 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक बना दिया जाएगा, बिजली से चलने वाले वाहन बना दिया जाएगा। किस योजना के तहत? फेम योजना के तहत। फेम का पूरा नाम क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक बार फिर से बोल देता हूँ, एफ मतलब फास्टर, ए मतलब अडॉप्शन एंड एम मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है ना, इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी वाहनों को 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। आइए बढ़ते आगे। अर्जुन सिंह को हरियाणा राज्य में बागवानी विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया है। हरियाणा राज्य में बागवानी विभाग का महानिदेशक किसे बनाया गया है? अर्जुन सिंह को बनाया गया है। ओके, पूनम सिंघला को नेशनल एलिमेंट यंग रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल एलिमेंट यंग रिसर्च अवार्ड किसे दिया गया है? पूनम सिंघला को दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का नया महानिदेशक वीना सिंह को बनाया गया है। ये नियुक्तियाँ ज़रूर याद रखना, नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? वीना सिंह को। हरियाणा के प्रसिद्ध पर्वतारोही शिवांगी पाठक, जो कि हिसार के रहने वाले हैं, इन्होंने विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी लोहत्से की फतह की है। और ये लोहत्से चोटी है जो कहाँ पर है? तिब्बत में स्थित है, जो कि 8516 मीटर ऊंची है। और याद रखना, शिवांगी पाठक का संबंध किस जिले से है? हिसार से। ये एक पर्वतारोही है। ठीक है, रेणु गुलिया को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का निदेशक बनाया गया है। देखिए, इसी स्लाइड में हमने 3 नियुक्तियां पढ़ ली है। पहली, बागवानी विभाग का महानिदेशक किसे बनाया गया था? अर्जुन सिंह को। स्वास्थ्य विभाग का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? वीना सिंह को। और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का निदेशक किसे बनाया गया है? रेणु गुलिया को। ठीक है ना, इन नियुक्तियों को आप एज इट इज़ याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
HBSC और CBSE इन दोनों के द्वारा एक दो एप्लीकेशन शुरू की गई है। बेसिकली ये दो एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, अवसर और दोस्त फॉर लाइफ, ताकि बच्चों को तनाव से दूर रखा जा सके। अवसर एप्लीकेशन तो काफ़ी फेमस भी हुई थी, क्योंकि इसी एप्लीकेशन पर बच्चों के टेस्ट लिए जाते थे, एग्ज़ाम लिए जाते थे, ठीक है ना। तो HBSE और CBSE इन दोनों ने इन एप्लीकेशंस को शुरू किया है। हरियाणा सरकार ने सुशील सारवान को आयुष विभाग का निदेशक बनाया है। आयुष विभाग का निदेशक किसे बनाया है, सुनील सारवान को, ठीक है ना। पंकज नैन खेल एवं युवा विभाग के नए महानिदेशक बने हैं। खेल एवं युवा विभाग के महानिदेशक किसे बनाया गया है, पंकज नैन को बनाया गया है, ठीक है ना। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा विधानसभा की पत्रिका सदन संदेश के तीसरे अंक का लोकार्पण किया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता, और हरियाणा विधानसभा की पत्रिका है सदन संदेश, इसके तीसरे अंक का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। हरियाणा की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी हिसार में इस्टेब्लिश की जाएगी, याद रखना ये पहली है, और जो भी हरियाणा में पहली बार हुआ है उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है, हिसार जिले में। आइए बढ़ते आगे, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, महेंद्रगढ़ जिले में, महेंद्रगढ़ के अटेली गांव में इस्टेब्लिश किया जाएगा। देखिए अगर प्रश्न पूछा जाए पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, ये तो हो जाएगा महेंद्रगढ़ में। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, घरौंडा करनाल में, और फल उत्कृष्टता केंद्र माझियाना सिरसा में। अगर पूछ लिया जाए बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, गिगनाव गांव भिवानी में, ठीक है ना। इन उत्कृष्टता केंद्र को आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। शेफाली वर्मा जो कि रोहतक की रहने वाली और प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, बिग बॉस लीग में भाग लेने वाली हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, शेफाली वर्मा, ठीक है। मुकेश कुमार को प्रारंभिक शिक्षा का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। प्रारंभिक शिक्षा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, मुकेश कुमार को। पर्यावरण एवं जलवायु विभाग का नया महानिदेशक या फिर नया निदेशक किसे बनाया गया है, रवि प्रकाश गुप्ता को। नियुक्तियां आप ज़रूर याद रखना। बजरंग पुनिया जो कि जज्जर के रहने वाले हैं, इन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में 65 किलोग्राम वर्ग भार में या भार वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है। बजरंग पुनिया कहाँ के रहने वाले हैं, जज्जर के, और इन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में 65 किलोग्राम भार वर्ग में पहला स्थान हासिल किया है। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर में मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी है, और इसके तहत रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर इस्टेब्लिश किए जाएंगे वहाँ पर, और यदि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाएगी तो रोज़गार अपने आप ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखना मास्टर प्लान 2041 कहाँ पर शुरू किया गया है, यमुनानगर में, ठीक है। शेफाली वर्मा जो कि रोहतक की रहने वाली है, हरियाणा की पहली खिलाड़ी हैं जिसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम में, वनडे टीम में जगह मिली है, ठीक है। हरियाणा के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक रणजीत सिंह का निधन हो गया है, और ये पलवल के रहने वाले थे, याद रखना रणजीत सिंह नगाड़ा वादक थे। पिंजौर पंचकूला में हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा कहाँ से शुरू की गई है, पिंजौर पंचकूला से शुरू की गई है। खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए खेलो हरियाणा ऐप शुरू किया गया है, याद रखना खेलो हरियाणा किन से संबंधित है, खिलाड़ियों से संबंधित है, ताकि उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। और पीछे हमने पढ़ा था कि जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एडवांस में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सके, वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है, उसमें 53 किलोग्राम भार वर्ग में विनेश फोगाट ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। हैफेड द्वारा रामपुरा रेवाड़ी में अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल इस्टेब्लिश की गई है, याद रखना अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है, रामपुरा रेवाड़ी में, जहाँ पर राव तुलाराम का जन्म हुआ था। हैफेड के द्वारा ये शुरू की गई है या लगाई गई है। हैफेड के बारे में बता देता हूँ, 1 नवंबर 1966 को, अर्थात जब हरियाणा बना था उसी समय हैफेड की स्थापना कर दी गई थी, और इसके अध्यक्ष हैं कैलाश भक्त, ओके। आगे बढ़ते हैं, जज्जर जिले की नीरू समोदा ने ऑस्ट्रेलिया बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता है, नीरू समोदा ने जीता है, झज्जर जिले की रहने वाली है।
हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है। इन्होंने 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। याद रखना, जगन्नाथ पहाड़िया कब से कब तक हरियाणा के राज्यपाल रहे? 2009 से 2014 तक। जापान की सुजुकी कंपनी है, जो जिसने वर्ष 1983 में गुड़गांव में मारुति सुजुकी को इस्टेब्लिश किया था, हाल ही में इसने झज्जर ज़िले में मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र इस्टेब्लिश किया है। कहाँ पर? झज्जर ज़िले में, ठीक है। सोहना, जो कि गुरुग्राम में स्थित है और गर्म पानी चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर मेगा बैटरी प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा। चंडीगढ़ में यूरोपीय संघ देश की सहायता से स्मार्ट वाटर मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट वाटर मीटर कहाँ पर लगाए जाएंगे? चंडीगढ़ में लगाए जाएंगे, जो EU कंट्री है, यूरोपियन संघ की कंट्री है, उनकी हेल्प से, ठीक है। विजय नामदेव को चंडीगढ़ का नया वित्त सचिव बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, चंडीगढ़ का नया वित्त सचिव कौन बना है? विजय नामदेव। आइए बढ़ते आगे। महेंद्रगढ़ में हरियाणा की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। हरियाणा की पहली पशु मेडिसिन सेवा, टेलीमेडिसिन सेवा कहाँ से शुरू की गई है? महेंद्रगढ़ से शुरू की गई है। और महेंद्रगढ़ के नारनौल में ही पीछे पड़ा था हमने, यूरेनियम की खोज की गई है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में फरीदाबाद को 46वां स्थान दिया गया है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में फरीदाबाद को कौन सा स्थान मिला है? 46वां। और पीछे हमने पढ़ा था एजुरैंक के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को 18वां स्थान दिया गया था। शिक्षा विभाग द्वारा शिकायतों के समाधान के लिए CP ग्राम पोर्टल शुरू किया गया है। याद रखना, CP ग्राम पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा विभाग के द्वारा, ताकि शिकायतों को निपटाया जा सके। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को मेरी फसल मेरा ब्यौरा में शामिल कर दिया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई थी 6 मई 2020 को, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना शुरू की गई थी 5 जुलाई 2019 को, और मेरा पानी मेरी विरासत योजना को इस योजना में शामिल कर दिया गया है। हरियाणा के 11 जिलों में स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कितने जिलों में? 11 जिलों में। यमुना नदी में अमोनिया नाइट्रेट पर रोक लगाने के लिए निगरानी दल का गठन किया गया है। यमुना नदी में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती जा रही है, और इस पर रोक लगाने के लिए एक निगरानी दल का गठन किया गया है। अमोनिया नाइट्रेट से संबंधित एक बात और याद रखनी है, बेरूत धमाका हुआ था अमोनिया नाइट्रेट की वजह से हुआ था। आप मुझे ये ज़रूर बताएं कमेंट में कि बेरूत किस देश की राजधानी है, ठीक है, ये प्रश्न भी बन सकता है एग्जाम में। पंचकूला को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। एजुकेशन सिटी किसे बनाया जाएगा? पंचकूला को बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 तक 1.6 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 1.6 गीगावाट सौर क्षमता कब तक? 2022 तक हरियाणा द्वारा प्राप्त किया जाएगा। हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक मीर मजीद खान का भी निधन हो गया है, ठीक है। मीर मजीद खान कौन थे? एक सारंगी वादक थे, इनका निधन हो गया है। बिलासपुर यमुनानगर में केंद्रीय विद्यालय स्टैब्लिश किया जाएगा। बिलासपुर कहाँ पर है? यमुनानगर में, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने नए विभाग राष्ट्रीय संस्थान सूचकांक विभाग का जिम्मा मनोहर लाल खट्टर को सौंपा है। एक नया विभाग इस्टेब्लिश किया गया था, नागरिक संस्थान सूचना विभाग, ये किसके नियंत्रण में है? श्री मनोहर लाल खट्टर के नियंत्रण में, ठीक है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण विभाग के द्वारा दोस्ती का हाथ फोन से बात योजना शुरू की गई है। दोस्ती का हाथ फोन से बात योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा राज्य बाल कल्याण विभाग के द्वारा, ठीक है। तो यह था दोस्तों इस महीने के करंट अफेयर के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमने नोबेल पुरस्कार से संबंधित भी एक वीडियो बना रखी है। 2021 में जितने भी क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, किन किन को दिया गया है और क्यों दिया गया है, इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को ज़रूर देखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, 4 महीनों की वीडियो जिसमें हरियाणा करंट अफेयर को विस्तार से बताया गया है, तो आप इनको भी देखना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।